सबसे पहले तो आपको अगर कुछ भी डाउट से इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, कोई भी थ्योरी का पॉइंट हो, कुछ क्वेश्चंस में अगर प्रॉब्लम हो, जो अपन ने पढ़ा था उसमें कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत है, कोई लॉजिकल चीज समझ नहीं आ रही है, आपने रिवीजन कर रहे होंगे अभी, है ना, अच्छे से, क्योंकि टेस्ट आ रहा है आपका। तो आई होप कि सभी बच्चे बिल्कुल एकदम प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल टेस्ट के लिए खूब क्वेश्चन कर रहे हो, रेस वेस सब कंप्लीट कर डाली होगी आपने, है ना। बस चैप्टर बहुत बड़ा है, तो वो तो बात है यार, भाई 6 लेक्चर का 6 हफ्ते करीब चला अपना, तो चैप्टर तो बहुत बड़ा ही है, और सबसे बड़ा चैप्टर पूरे 12th क्लास का यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके बाद के चैप्टर बड़े हैं, पर इससे 10-20% कम ही बड़े होंगे, ये सबसे बड़ा है। अगर नहीं बोल रहा, नो साउंड, नहीं बेटा यार, सभी बच्चे सुन पा रहे, रिविजन कर रहे हो अच्छे से, नाउ क्लियर, ओके, शायद आप ज्वाइन नहीं हुए होंगे साउंड से, ठीक है। चलो ग्रेविटेशन की रेस भेज दीजिएगा, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन मैंने अगर कर ली है तो रेस की वैसे कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि रेस के क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स लेवल के होते हैं, तो अगर बिगिनर बॉक्स लेवल अपना अच्छे से क्लियर है तो फिर मुझे नहीं लगता कि एक्स्ट्रा और उसमें उसी लेवल के क्वेश्चन करो। तो ग्रेविटेशन के लिए 1 2 3 4 विल बी अ गुड चॉइस, 1 2 3 4 मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन ज्यादा करो आप, है ना। मिड लेवल तो आपने कर ही लिया है, और मिड लेवल और करना है तो बिगिनर बॉक्स कर लेना एक बार अच्छे से, प्रीवियस ईयर पेपर कर लेना, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे जेई मेंस वाले वो कर लीजिएगा, ठीक है, तो इतना सफिशिएंट है। तो आपको चाहोगे तो मैं भेज दूंगा, बट मैं बता रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट रेस की तो नहीं है, रेस की अगर लग रही है थोड़ा आसान लेवल क्वेश्चन चाहिए तो बिगिनर बॉक्स कर लो वापस से, ठीक है, और बहुत ज्यादा मटेरियल होगा तो फिर कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। हाँ सिंगेज भी कर सकते हो, पर अगेन मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाएगा, सिंगेज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा सा जितना टाइम है उसके हिसाब से आप काम करना, ठीक है। हाँ वही तो, मतलब काम इतना ही कर पाओगे जितना आपके पास समय है, ठीक है। चलो तो कोई भी डाउट नहीं है इलेक्ट्रोफिजिक्स में, सब क्लियर सबको, बहुत बढ़िया। ग्रेविटेशन की एक रे अपनी बिगिनर बॉक्स बचा हुआ था, ग्रेविटेशन 2 का एक बिगिनर बॉक्स बचा हुआ था, तो वो डिस्कस कर ले, उसमें कोई डाउट, ग्रेविटेशन का बिगिनर बॉक्स में तो हम तो बोल रहा है सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो हम बाकी बच्चे भी बताइए, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। देखो अपनी कल कल रिवीजन लेक्चर कमल सर लेंगे, तो कल मेरा लेक्चर नहीं रिवीजन का, है ना, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में या कुछ भी पूछना है आपको तो आज आपके पास दिन है, पूछ सकते हो। हार्दिक गुप्ता बोल रहा है 5th, अच्छा ओके युवान, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो 5th नंबर क्वेश्चन डाउट आ रहा है तो एक बार 5th में देख लेता हूँ ग्रेविटेशन के बिगिनर बॉक्स का, जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट दीजिए मुझको, यस 5th नंबर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज वी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास एम बेंड इनटू अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर इज आल्सो इक्वल टू बी। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ मास डिस्ट्रीब्यूटेड है जो एक सेंटर से आर डिस्टेंस पे, चाहे वो स्फेरिकल शेप में डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे एक आर्क की शेप में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसका पोटेंशियल जो आएगा उस सेंटर पॉइंट पे जीएम बाय आर आ जाएगा, क्योंकि सारे मास की सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो जीएम बाय आर कर देंगे, ठीक है। अब इसका जो बी पार्ट है ना वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है, मतलब उसकी लैंग्वेज उतनी अच्छे से क्लियर नहीं है। उसमें लिखा है कि इन पार्ट ए इफ द सेम वायर इज बेंड इनटू अ क्वार्टर ऑफ सर्कल देन ऑल्सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी वी। एक क्वार्टर ऑफ सर्कल में बेंड करने का मतलब दो दो हो सकते हैं, एक हो सकता है कि जो तुमने सेमी सर्कुलर वायर बनाया था उसको थोड़ा सा तुमने ओपन करा और इसी से क्वार्टर सर्कल बना दिया, इसी से क्वार्टर सर्कल बना दिया, इसकी रेडियस बढ़ा के, यहाँ जो रेडियस थी वो रेडियस बढ़ा दी, रेडियस को डबल कर देंगे तो 90 डिग्री एंगल आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से वायर को बेंड करके क्वार्टर में बना सकते हैं अपन। और एक और चीज कर सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लो, ऐसे फोल्ड कर दो तो सेम रेडियस का आपको क्वार्टर सर्कल में मिल सकता है, सेम रेडियस का फोल्ड करके, तो दो दो पॉसिबिलिटी है। अगर हमने ऐसा फोल्ड करा होगा ना तो पोटेंशियल वही आ जाएगा, और अगर ऐसा करा है कि वायर को थोड़ा सा ओपन कर दिया है उसकी रेडियस बढ़ा के क्वार्टर सर्कल बनाया है तो फिर पोटेंशियल बदल जाएगा, ठीक है। तो दो दो सिचुएशन है। अब आंसर उन्होंने इस हिसाब से दे दिया कि भाई दोनों में से क्या क्या पॉसिबिलिटी, तो ये हो सकता है कि अनपोटेंशियल सेम आए, है ना, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन के लिए पोटेंशियल सेम होगा, इसके लिए हाफ हो जाएगा। अब उतने अच्छे से क्लियर नहीं है क्वेश्चन में कि क्या करा है, तो शायद उन्होंने यही वाला मान के आंसर दिया है, ठीक है।
ओके श्योर। और किसी को कोई भी डाउट? बिगिनर बॉक्स में टेंथ नंबर सेवेंथ नंबर दो आया मेरे पास, सेवेंथ वाला देखते हैं। अर्थ में भी रिगार्डेड ए स्फेरिकली शेप्ड यूनिफॉर्म कोर ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रेडियस आर बाय टू सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म शेल ऑफ थिकनेस आर बाय टू एंड डेंसिटी रो टू। फाइंड द रेशियो ऑफ रो वन एंड रो टू इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम एज द सर्फेस एट द सर्फेस एज एट द डेप्थ आर बाय टू फ्रॉम द सर्फेस। अच्छा, तो सर्फेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है और सर्फेस से डेप्थ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो तुम्हें सेम चाहिए। और आपको बोला है कि अर्थ को आपको मानना है कि दो तरह के मटेरियल से मिलकर बनी हो, दो तरह के मटेरियल से मिलकर बनी है ऐसा आपको मानना है। सेंटर से r बाय टू तक एक रो वन डेंसिटी का मटेरियल है और उसके बाहर ये जो मटेरियल है वो रो टू डेंसिटी का है ना। जो रो टू डेंसिटी का मटेरियल है वो r बाय टू से r रेडियस तक। अब अगर सरफेस पे पोटेंशियल सरफेस पे ग्रेविटी लिखना होगी तो ग्रेविटी आ जाएगी यहाँ पे g टोटल मास हो जाएगा रो डेंसिटी 4 बाय 3 पाई r बाय 2 क्यूब। इस वॉल्यूम में है रो वन डेंसिटी और बची हुई रो टू डेंसिटी किस वॉल्यूम में है वो वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा 4 बाय 3 पाई आर क्यूब माइनस आर बाय टू का क्यूब। ये टोटल मास अपॉन आर स्क्वायर ये होगा सरफेस पर ग्रेविटी। जी टोटल मास बाय आर स्क्वायर सरफेस पर ग्रेविटी। तो टोटल मास लिखने के लिए पहले इतना वॉल्यूम इंटू यहाँ की डेंसिटी और फिर ये बचा हुआ वॉल्यूम ये होगा इंटू उसकी डेंसिटी तो ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी सर्फेस ऑफ अर्थ पे। और वो चाह रहे हैं कि सरफेस से r by 2 डेप्थ पे ग्रेविटी भी यही आए तो सरफेस से r by 2 डेप्थ पे ग्रेविटी केवल इस स्फीयर की वजह से होगी। किसी पॉइंट पे जो ग्रेविटी आती है वो उसके अंदर अंदर के मास की वजह से होती है ना क्योंकि बाहर की शेल का अंदर ग्रेविटी जीरो होती है तो केवल अंदर जो यहाँ मास होगा इस वजह से यहाँ ग्रेविटी आएगी। तो इस लोकेशन में ग्रेविटी जो लिखोगे वो आने चाहिए जी रो वन इंटू फोर बाय थ्री पाई आर बाय टू का होल क्यूब डिवाइड बाय यहाँ रेडियस आर बाय टू है तो आर बाय टू का स्क्वायर करेंगे। अब आप चाहते हो दोनों ग्रेविटी इक्वल हो जाए तो इनको बस इक्वल कर दो, इक्वल करो और थोड़ा सॉल्व करो तो रो वन रो टू का रिलेशन आ जाएगा। ओके तो टेंथ क्लियर नो डाउट। ओके बहुत बढ़िया माधव ये आ गया अच्छे से वैभव। सेवंथ सर इलेवंथ में लॉस यस वैभव को आ गया ठीक है। टेंथ क्लियर हो चुका है अब इलेवंथ देखते अपन। इलेवंथ में क्या लिखा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो निकल गया बट वेक्टर फॉर्म में नहीं आ रहा है। अच्छा इलेवंथ में लेट मी चेक क्वेश्चन क्या था। इलेवंथ में आपको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो मिल जाएगा ना क्योंकि एंगुलर मोमेंटम भी तो कंजर्व करोगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलावा वो मिल जाएगा आपको समझे। क्योंकि सन के अबाउट प्लेनेट जो घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि जो भी फोर्स है बस अब इससे कर देना है हो जाएगा ठीक है। चलो और कोई डाउट? गोपाल ये किसके बारे में लिखा था कुछ किसी और को कोई डाउट है क्या? गोपाल क्या दिक्कत थी है? किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट 13 तक? ठीक है चलो सब अच्छे बोल रहे हैं मुझे सब क्लियर है तो बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन दोनों के बिगिनर बॉक्स वगैरह सब चीज कंप्लीट सब अच्छे से आ गए। क्वेश्चन बैंक भी हमने डिस्कस करी थी तो क्वेश्चन बैंक में अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ओके बहुत बढ़िया चलो किसी को कोई डाउट नहीं है वेरी गुड। ओके तो हमने लास्ट क्लास में अब करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करा था उसको आगे बढ़ाते तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था क्योंकि बहुत सारी थ्योरी के पॉइंट हुए थे तो एक एक करके बताओ क्या क्या पढ़ा था। चलो पिछली क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ा था बहुत सारे थ्योरी के पॉइंट थे इसलिए एक करके बताओ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले उससे भी पहले रिलैक्सेशन टाइम सबसे शुरुआत में अपने रिलैक्सेशन टाइम मीन फ्री पाथ इन सब के कॉन्सेप्ट पढ़े थे है ना। हाँ मीन फ्री पाथ रिलैक्सेशन टाइम ये सब क्लियर। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी कि भाई कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो फ्री चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स है ना जो मोशन के लिए फ्री है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से मूव करते हैं तो उनके मोशन में जो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है वो आ जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक छोटा सा एक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी चीज एससीवी में कुछ छोटी सी गलती करी हुई है। एससीवी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो उन्होंने डिराइव करा है
उसमें इन्होंने u प्लस वी का हाफ कर दिया है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का हाफ। अब दिक्कत क्या है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी जो है ना, हर इलेक्ट्रॉन के अलग अलग टाइम पे जो होगी उसका हाफ करके जो वेलोसिटी आएगी वो इस तरह से एवरेज नहीं निकाल सकते, है ना। जो हमने निकाला तरीका वो कई स्टैंडर्ड बुक्स में वही है, फॉरन ऑथर्स की कुछ बुक्स है उनमें वैसे तरीका है, रेसनिक हेलिडे में वैसे तरीका है, तो अपन वैसे तरीके को याद रखेंगे। एससीवी का जो तरीका है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, एनसीईआरटी का जो तरीका है वो भी हमने जो करा था वो सेम है, तो फाइनली हमारे लिए एनसीईआरटी मेन चीज होती है, तो हम एनसीईआरटी वाला तरीका हमने सीखा है, ठीक है। तो आप अगर एससीवी पढ़ोगे तो एससीवी में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख सकता है, मैंने बताया आपको। चलो उसके बाद फिर बच्चे बता रहे मोबिलिटी पढ़ी थी, यस ड्रिफ्ट स्पीड जो थी तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करी उसकी प्रोपोर्शनल थी, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को मोबिलिटी बोला था अपन ने। फिर चार्ज कैरियर्स का मतलब समझा था कि वे अलग अलग तरह के मटेरियल्स में करंट फ्लो की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पार्टिकल की होती है, जिस चीज की वजह से चार्ज फ्लो होता है उसे बोलते हैं करंट कैरियर या चार्ज कैरियर, ठीक है। और जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी डेंसिटी जो होगी, उनका नंबर पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, उन पर चार्ज क्या है, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, इससे करंट का रिलेशन लिखा था आई इक्वल टू एनवी। और किसी मटेरियल में अगर दो दो तरह के चार्ज कैरियर है तो दोनों की वजह से करंट उसका एडिशन कर देते, है ना। यस फिर कंडक्टर इन वेरिएबल क्रॉस सेक्शन देखा था, उसमें अगर क्रॉस सेक्शन बदल रहा हो तो देखा था ड्रिफ्ट स्पीड चेंज होती है, ए वी कॉन्स्टेंट होता है जैसा कि फ्लूइड में पढ़ा था वैसे यहाँ पर भी आ जाता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ड्रिफ्ट स्पीड से रिलेटेड होता है, ए इनटू बी कांस्टेंट आता है, ठीक है। फिर वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ पे आ गए थे अपन, करंट डेंसिटी पहले डिफाइन करा था, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसको अपन ने करंट को वेक्टर बनाने के लिए डिफाइन करा है। उसको डिफाइन कैसे करते, किसी लोकेशन पे करंट की डायरेक्शन क्या है, किस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया लो, उस एरिया का नॉर्मल के अलॉन्ग करंट डेंसिटी डिफाइन होगी, और वो जो एरिया है करंट बाय एरिया विल बी करंट डेंसिटी, इस तरह से अपन ने डिफाइन कर दिया था, ठीक है। तो बाद में ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में कंडक्टिविटी भी बताया था मैंने, यस सिग्मा इक्वल टू एन ई म्यू, सिग्मा इक्वल टू एन ई म्यू, एन क्या था जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है उनका चार्ज, म्यू क्या है उनकी मोबिलिटी। अभी जो सिग्मा है अगर किसी मटेरियल में कोई और तरह का चार्ज कैरियर हो तो जो भी चार्ज कैरियर है उसका नंबर, जो भी चार्ज कैरियर है उसका चार्ज, और जो भी चार्ज कैरियर है उसकी ड्रिफ्ट स्पीड। भाई अगर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन होगा वो यहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन से उस पर जो चार्ज होगा वो यहाँ रखेंगे, और जो उनकी ड्रिफ्ट स्पीड आई वो रखेंगे। अगर दो दो तरह के चार्ज कैरियर है मटेरियल के अंदर तो जो दो तरह की कंडक्टिविटी आएगी उनका एडिशन कर देंगे, कैटायंस एनायंस की अलग अलग कंडक्टिविटी निकाल कर दोनों का एडिशन टोटल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं अपन। इज दिस क्लियर? एनी एनी म्यू होता है ना, सॉरी म्यू होता है, ड्रिफ्ट स्पीड थोड़ी आती है, म्यू होता है। ओके और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ओम्स लॉ देखा था, जे इक्वल टू सिग्मा, जिसको वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ भी बोलते थे, जे इक्वल टू सिग्मा, ना। अब स्टैंडर्ड ओम्स लॉ पे आ जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ पढ़ लिया, अब ओम्स लॉ पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट चीज देखिए आप ओम्स लॉ, लास्ट क्लास से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है अभी। हमारे पास एक डाउट आया है, सर आपने कंडक्टिविटी का मीनिंग क्या बोला था? कंडक्टिविटी ये बताई थी मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो होता है मटेरियल, तो किसी लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस लोकेशन पे करंट डेंसिटी जो आ रही है उनका रिलेशन कंडक्टिविटी से आता है, द रेशियो ऑफ जे बाय ई, बस मैंने जो लिखा था ना जे इक्वल टू सिग्मा ई, तो जे बाय ई को अपन बोल देते हैं कंडक्टिविटी, ये मतलब है। वो कंडक्टिविटी ज्यादा तो करंट डेंसिटी ज्यादा, कंडक्टिविटी कम तो करंट डेंसिटी कम, ठीक है। मेरे पास एक डाउट आया अंश का, सेमीकंडक्टर में होल का मतलब क्या होता है? तो मैंने पहले भी कहा है सेमीकंडक्टर के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेंगे, सेमीकंडक्टर पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो अभी मैं इन चीजों में जाऊंगा ना तो अपना ये चैप्टर छूटेगा, बहुत टाइम लगेगा मुझे, एक लेक्चर लग जाएगा होल समझाने में, तो होल के लिए आपको याद रखना है बस, अभी होल जो पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में तब पढ़ लेंगे, ठीक। चलो अब एक और डाउट आया, रेजिस्टिविटी को 1/σ बोल सकते हैं क्या? बोल क्या सकते, यही बोलते हैं, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज 1/कंडक्टिविटी, अभी अपन डिफाइन करेंगे, वेट है ना, आएगा अभी थोड़ा। चलो अब अपन आ जाते हैं ओम्स लॉ पे, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी आता ही, तो आपको क्या डेफिनेशन आती बताओ, आप सबको पूछेगा ओम्स लॉ बताइए, तो क्या बताओगे आप?
इज ओम्स लॉ? कोई मुझे बता सकता है? V इक्वल टू आई आर अगर एग्जाम में आया ना ओम्स लॉ क्या है तो, और अगर आपने सिर्फ इक्वल टू आई आर लिखा तो हो सकता है आपको सिर्फ हाफ मार्क्स मिले, ठीक है? अगर दो मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ हाफ मिलेगा, ठीक है? थोड़ा जो भी लॉज जो होते हैं ना उनको पूरा सही सही सेंटेंस पूरा याद होना चाहिए आपको, और वही सेंटेंस लिखना चाहिए आपको कोई पूछे तो। ऐसा शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते किसी भी लॉ को आप। तो मेरे पास एक लिखा हुआ आया है कि पोटेंशियल ऑफ, एक मिनट, बहुत सारी चीजें आ रही है एक साथ। पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड हियर कॉन्स्टेंट इज आर। अच्छा, करंट फ्लोइंग इन इस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है? ये सब सेंटेंस आधे अधूरे सही है। सही सही सेंटेंस क्या मैं बताता हूं, लिखो, लिखे। इफ, यस वेदांत सही लिखा है, गगनदीप सही लिख रहे हो, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही। अब बच्चे मुझे सही सही बता रहे हैं काफी चीजें, लिखो। इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर, इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट लाइक इट्स लेंथ, टेम्परेचर, स्ट्रेस एटसेट्रा, लाइक इट्स लेंथ, टेम्परेचर, स्ट्रेस एटसेट्रा, इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट लाइक इट्स लेंथ, temperature, stress, etc. Then the potential difference develops. Then the potential difference develops across the conductor. Then the potential difference develops across the conductor is directly proportional to करंट इन इट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन इट। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप इन द कंडक्टर अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन इट, वी प्रोपोर्शनल टू आई। इस तरह से अपन ओम्स लॉ लिखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप जो कुछ बच्चे मिस कर रहे थे कि फिजिकल कंडीशन कॉन्स्टेंट बोलना चाहिए, है ना? अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना इससे ही बोर्ड्स में नंबर कटते हैं, तो आपको इन सब चीजों को बहुत ध्यान से याद करना चाहिए, ठीक है? और आपको डेफिनेशन जब भी कोई भी पूछे तो आपको बिल्कुल सही एग्जैक्ट डेफिनेशन ही बोलना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता है कहीं भी, ठीक? अगर आप, मैं पूछ रहा हूं डेफिनेशन, आप बोलेंगे ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर है, तो ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर पता चलता है, बट एग्जैक्ट पूरा ओम्स लॉ वी इक्वल टू आई आर नहीं है, है ना? तो पूरा सही से बोलना चाहिए। चलो, अब वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का जो कॉन्स्टेंट आता है उसको अपन रेजिस्टेंस बोल देते हैं। दिस आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है? अब इस इक्वेशन को हम खुद भी डिराइव कर सकते थे, हमने जितनी चीजें अभी पढ़ ली थी ना उसके बेसिस पे ये हम निकाल सकते थे। कैसे देखते हैं, एक तरह से ओम्स लॉ का डेरिवेशन देख रहे हैं। मान लो मेरे पास कोई कंडक्टर है, आई हैव अ कंडक्टर जिसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था, इसके अक्रॉस मैंने सेल लगा के पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ठीक है? तो इस कंडक्टर में मान लीजिए इसकी लेंथ L थी, इसका यहां पे जो एरिया था वो A था। तो इस कंडक्टर में हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, लेट्स से पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा है। L क्या थी इसकी लेंथ, क्या क्या माना मैंने कि मेरे पास एक कंडक्टर है उसकी लेंथ L है और उस L लेंथ में हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा है, ठीक है? इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया हमको A दिख रहा है, इतनी चीजें अभी मैंने अज्यूम कर ली। तो हम बोल रहे हैं माय वॉइस इज ब्रेकिंग, नहीं यार, तो हम यहाँ पे तो सब कुछ सही लग रहा है मुझको। इज माय वॉइस क्लियर? बच्चे बोल रहे क्लियर है, चलो ठीक है। तो सोहम, यस, आपके एंड पे कुछ प्रॉब्लम होगी, एक बार देख लीजिए करो, है ना? ठीक है, कभी कभी होता है यार, देखो इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल होता है कई बार, तो वो ऊपर नीचे हो जाता है कई जगह, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारे पास कंडक्टर है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ए लिया है, यहाँ पे लेंथ एल है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है,
अब बी पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन। यहां जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई होगी हम वो बता सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप इनसाइड दिस शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, एम आई राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप इनसाइड दिस शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। ठीक है, बस अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो आ गया ना इसे यूज कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा था करंट डेंसिटी वो होती थी सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा को अपन ने लिखा था एन ई म्यू, और मोबिलिटी जो होती थी म्यू इक्वल टू होता था एन सॉरी ई टाउ बाय एम। ठीक है, तो ये उठा के अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दू तो एन ई सॉरी ई टाउ बाय एम, ये मैंने मोबिलिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो जे इक्वल टू सिग्मा ई, ये हमारा रिलेशन मैंने वापस से लिखा, सिग्मा की वैल्यू मैंने अच्छे से लिख दी, सिग्मा की वैल्यू हमें पता थी एन ई म्यू होती है, और म्यू की वैल्यू मैंने अच्छे से लिख दी ई टाउ बाय एम। ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई थी, हमने पढ़ा हुआ था जे इक्वल टू सिग्मा, हमने प्रूव कर लिया था, और सिग्मा हमको हमने इस एन ई म्यू को ही सिग्मा बोला था, और जो म्यू था हमने पढ़ा था ई टाउ बाय एम था, है ना। बेसिकली ये इक्वेशन में कैसे लेके आया था, दिस वॉज डिराइव फ्रॉम आई इक्वल टू एन ई ए बी डी, मैंने इसे आई इक्वल टू एन ई बी डी से डिराइव करा था, और जो वीडी का एक्सप्रेशन था बस वो रखा है हमने, एंड वीडी का एक्सप्रेशन याद करो एन सॉरी ई टाउ बाय एम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, तो वीडी का एक्सप्रेशन यहाँ रखोगे तो और एरिया से डिवाइड करोगे तो ये जे का एक्सप्रेशन आ जाएगा, है ना। ये हम कर चुके हैं, सारी चीजों का रिलेशन आपको पता है यहाँ। सो ऑल ऑफ दिस डिस्कशन इज गिविंग मी दैट आई इक्वल टू हो रहा है एन ई ए बी डी, वीडी को लिख सकता हूँ ई टाउ बाय एम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे तो आप J को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिलेशन आएगा, या इक्वल टू एनी वीडी में वीडी का एक्सप्रेशन रख दो तो ये रिलेशन आएगा। ठीक है, ये सब आपस में इंटर रिलेटेड एक्सप्रेशन है, सबसे फाइनली हमें ये डिराइव होकर मिल रहा है I इक्वल टू एनी ए इंटू ई टाउ बाय एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिखी थी वी बाय एल थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वी बाय एल लिख देते, बट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी देखा था वी बाय एल थी। ठीक है, तो I इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एन ई, ये ई और ई इस पर कर देता हूँ tau by m into area into electric field का v by l, वो एल एस लिख दिया मैंने, क्या करा मैंने n, ये e into e को e square कर दिया, ये tau by m लिखा, ये एरिया लिखा हुआ था as it is area लिखा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को v by l करा तो वो l लिख जाता। ठीक है, इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन इधर लेके आते, दिस इज गिविंग मी v equal to m upon n square tau इंटू लेंथ बाय एरिया इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आप जे इक्वल टू सिग्मा ई लिख कर भी डिराइव कर सकते थे, जे इक्वल टू सिग्मा ई लिखा, ई को वी बाय लिख दिया, जे इक्वल टू सिग्मा ई लिखा हुआ है यहां पे, जे को लिख दिया करंट बाय एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख दिया वी बाय एल, तो यहां से देखो वी इक्वल टू क्या आ गया वन अपॉन सिग्मा एल बाय ए इंटू आई, सेम एक्सप्रेशन दूसरे तरीके से भी लिखा है, और ये एक्चुअली सिग्मा वन अपॉन सिग्मा की ही वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ वन अपॉन सिग्मा, है ना। यहाँ पे साइड में मैं लिखूं, अगर सिग्मा की वैल्यू हमने पढ़ी थी एन ई म्यू, म्यू हमारे पास जो था उसकी वैल्यू रख देंगे तो ये हमारे पास आ रही सिग्मा की वैल्यू, तो आप ध्यान से देखो ये वन अपॉन सिग्मा है, दिस इज वन अपॉन सिग्मा। हाँ, मैं एक बार L देख लेता हूँ, कहीं मैंने L तो गड़बड़ तो नहीं करी कहीं कुछ, M सही है, N square tau ये सही लिखा है, और यहाँ पर अभी तो लिखा है ये भी, और ये सिग्मा भी सही लिखा है। ठीक है, V की जगह I आएगा, N की जगह I आएगा, एक मिनट V is equal to, अच्छा यहाँ पे, अरे यार ठीक है चलो अब ठीक है, हाँ ठीक है, मैं इसे छोटा सा, चलो अब ठीक, ओके बहुत बढ़िया। अब दो दो तरीके से अपन ने लिखा एक्सप्रेशन, बस अब ये जो चीज आ रही है यही तो रेजिस्टेंस है, V इक्वल टू आई आर जैसी तो एक्सप्रेशन आ गया, लेट इसको रेजिस्टेंस बोल देते हैं, कांस्टेंट जो आ रहा है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू लेंथ बाय ए, या जिसको मैंने देखो वहां पे लिखा है वन अपॉन सिग्मा इंटू लेंथ अपॉन ए, इसको मैंने बोल दिया रेजिस्टेंस, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गई है
वो बन गई है b इक्वल टू आई आर. दिस इज हाउ वी कैन डिराइव ओम्स लॉ. चलो इज दिस क्लियर? नोट कर लीजिए अच्छे से. और ये मैंने सारी इक्वेशन जो लिखी है ना सबका एक साथ यूज नहीं करा मैंने, सब में सब एक दूसरे से डिराइव हो रही है वो. तो मैंने दूसरे तरीके से, दो तरीके से डिराइव करा है. चलो नोट हो जाए तो बता दीजिएगा. डन. ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड. ठीक है, हमारे पास एक डाउट आ रहा था, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी टेम्परेचर, लेंथ, एरिया, चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम. यस बिल्कुल सही कहा ब्राउज़न, बिल्कुल सही कहा. ठीक है, अभी अपने रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन डिराइव करा है, इसके बारे में और बातें करेंगे अपन, है ना. मेन जो इक्वेशन आ गई वी इक्वल टू आई आर, बस ये हमारी ओम्स लॉ. अब ये इक्वेशन हर तरह का मटेरियल फॉलो नहीं करता. हमने जो भी डेरिवेशन कराया तो हमने काफी चीजों को आइडियल मान लिया है. हमने माना था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट है, मटेरियल पूरा यूनिफॉर्म है, एक जैसा है. ठीक है, अंदर पर यूनिट वॉल्यूम सब तरफ एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स है ना. बहुत सारी चीजें अपन ने आइडियल सिचुएशन लेके चले. तो हर बार आइडियल सिचुएशन जरूरी नहीं है. जैसे सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा एग्जांपल है, सेमीकंडक्टर में काफी चीजें वेरी करती हैं, काफी अलग तरह से कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं वहां पर. तो ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिसमें वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता आई के. जिनमें ये होता है उन्हें बोलते हैं ओमिक कंडक्टर. ओमिक कंडक्टर विच फॉलोज ओम्स लॉ. और ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिसमें एग्जैक्टली ये रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करके फॉलो हो रहा है. हो सकता है कि वहां पे थोड़ा कर्व बन रहा हो V इक्वल टू IR का रिलेशन. ठीक है, तो उन्हें हम कहते थे नॉन ओमिक कंडक्टर. नॉन ओमिक कंडक्टर. जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल नॉन ओमिक कंडक्टर का बताऊं तो सेमी कंडक्टर में हमें पढ़ेंगे चीज डायोड. डायोड, ये जो डायोड होता है ना, इसको पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में. इसका अगर मैं करंट और वोल्टेज का रिलेशन बताऊं, इसमें करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन आता है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसमें जो फ्लो करने वाला करंट है, उसका रिलेशन काफी अजीब सा होता है. देखो ऐसा कुछ ग्राफ आता है इसका, यू इस तरह का कुछ ग्राफ होता है. प्रोपोर्शनलिटी नहीं है ना. उल्टी तरफ जाएंगे तो करंट जाता ही नहीं है उसके अंदर. वोल्टेज को नेगेटिव लगा दो तो करंट जाता ही नहीं है. वोल्टेज पॉजिटिव लगाओ तो एक लिमिट से ज्यादा लगाओ तो एक स्ट्रेट लाइन जैसा ग्राफ है, उससे पहले नहीं है. ठीक है, हाँ. अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है कि व्हाट इफ इस मटेरियल इज एन आइसोट्रॉपिक. तो एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल की चीजें ही अपन बात कर रहे हैं. हमारे घर में जो वायर्स वगैरह होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, नॉर्मली काफी हद तक वो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं. हमारे घर में जो अपन वायर्स वगैरह यूज करते हैं काफी हद तक ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं. चलो तो एक एग्जांपल बताया मैंने कि ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उन्हें हम कहते थे नॉन ओमिक कंडक्टर. पर हमारे सिलेबस में अभी हमको अधिकतर जो क्वेश्चन मिलेंगे सब ओमिक कंडक्टर के ही मिलेंगे. तो हमें V इक्वल टू आई आर फॉलो हो रहा है मान के चलना है. ठीक, अब वैभव कुछ बोल रहा है, इज दिस रिलेटेड टू सेचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट. वैभव ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, बाद में देखेंगे. ठीक है, ओके. तो ये लिख लीजिए जल्दी से, ओमिक वर्सेस नॉन ओमिक कंडक्टर. अब ओमिक कंडक्टर में अगर वी और आई आर का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनना चाहिए? आई और वी का ग्राफ, सॉरी आई को एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं क्योंकि ओम फ्लो के हिसाब से आई एक्स एक्सिस पे, वी वाई एक्सिस पे. तो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन जैसा बनना चाहिए. ओमिक कंडक्टर द स्लोप ऑफ ग्राफ शुड बी रेजिस्टेंस. Slope of V versus R graph.
स्लोप ऑफ वी वर्सेस आर ग्राफ, वी वर्सेस आई ग्राफ विथ रेजिस्टेंस. ठीक है, अब जैसे यहां पे वी वर्सेस आई ग्राफ के स्लोप को हमने रेजिस्टेंस बोला, वैसे नॉन ओमिक कंडक्टर में भी हम रेजिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं. इनमें भी रेजिस्टेंस डिफाइन करा जाता है. वहां पे हम डिफाइन रेजिस्टेंस को थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, वहां डिफरेंशिएशन ले लेते हैं. वहां रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन करंट के रेशियो से, और उसको नाम अलग दे देते हैं, इसको बोलते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस. डायनामिक क्योंकि ये चेंज होता है, तो हर जगह जो भी स्लोप है ग्राफ का वो आपको उस लोकेशन का रेजिस्टेंस दे सकता है. जिस जगह जो स्लोप है ग्राफ का वो उस जगह का रेजिस्टेंस दे सकता है. तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स में ऐसा कभी पूछ सकते हैं आपसे डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या है किस लोकेशन पे, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं स्लोप देख के हर पॉइंट पे अलग अलग. बिल्कुल सही. और डायनेमिक इसलिए बिकॉज दिस चेंजेस. कभी कभी ऐसा भी वी और आई का रिलेशन आता है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस दिख सकता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस दिख सकता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें वो मटेरियल तो नहीं बताऊंगा कि किसमें ऐसा होता है, बस ग्राफ को इस तरह का याद रख सकते हो आप कि ऐसा भी हो सकता है कि रेजिस्टेंस नेगेटिव दिखे. ठीक है, ऐसा भी ग्राफ मिल सकता है वी वर्सेस आई का. तो यहां इस रीजन में नेगेटिव रेजिस्टेंस है. तो डिपेंडिंग ऑन, हमारे पास कई तरह के मटेरियल है. हमने क्या करा है कि अलग अलग मटेरियल को मिलाकर कई तरह के डिवाइस बनाए हैं. जैसे डायोड भी एक तरह से दो मटेरियल का कॉम्बिनेशन से क्रिएट होता है. तो कई मटेरियल के कॉम्बिनेशन से कुछ तरह के डिवाइसेस बनाते हैं अपन, उनका अलग अलग तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती है. तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमको देखने को मिल सकती है. ठीक है, चलो अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया, नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा. सिंपल बात, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब बस स्लोप नेगेटिव. ठीक है, यहाँ पे मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ पर करंट डिक्रीज हो रहा है. वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ, करंट डिक्रीज हो रहा है, भाई इतना सा मतलब है. ठीक, ओके, बहुत बढ़िया. चलो तो मैथमेटिकल मीनिंग है एक तरह से और कुछ नहीं उसका. तो हमने समझा व्हाट इज ओम्स लॉ, ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं. ज्यादा हमको इनके बारे में सोचना नहीं है क्योंकि हमारे अभी जो चैप्टर है इसमें इनके बारे में ज्यादा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं. तो हमें इस चैप्टर में सारे कंडक्टर को ओमिक मानना है और वी इक्वल टू आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा ऐसे मान के चलेंगे. ठीक है, ये अपने ओम्स लॉ डिराइव करा. कहीं भी इसमें कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो. देखो अच्छे से, अगर ये सब क्लियर है तो बहुत बढ़िया. चलो सबको क्लियर है, अब अपन इस रेजिस्टेंस को थोड़ा और अच्छे से डिटेल में समझते हैं. मेरे पास एक डाउट आ रहा है कि डायनेमिक वाला नॉन ओमिक के लिए होता है क्या. हाँ, मतलब ओमिक के लिए डायनेमिक रेजिस्टेंस का कोई सेंस नहीं बचेगा क्योंकि तो स्लोप तो हर जगह एक ही आएगा ना. ओमिक के लिए, ओमिक कंडक्टर्स के लिए डायनेमिक रेजिस्टेंस का कोई सेंस नहीं होगा. तो इसलिए डायनेमिक ज्यादातर अपन नॉन ओमिक में यूज करते हैं. यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं, हर जगह स्लोप सेम ही है तो उसको डायनेमिक क्यों बोले, वो कॉन्स्टेंट ही तो है. ठीक है, ओके. नाउ अब हमारा जो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आया था उसको पूरा डिटेल में समझते हैं. रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन आया था उसे थोड़ा अच्छे से देखते हैं. हमने रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन निकाला है, देखिए नीचे लिखा हुआ है 1/σ × L/A, वेयर 1/σ की वैल्यू थी m/NE²τ इनटू लेंथ बाय ए. तो अगर आपसे पूछे कोई रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, अभी एक किसी बच्चे ने शायद युवान ने बोला था कि किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है ना. तो अपन देखते हैं, कुछ पूछ रहा है सर डायोड में आई वर्सेस वी या वी वर्सेस आई. बेटा डायोड में मैंने ये आई वर्सेस वी बनाया था, वी वर्सेस आई नहीं बनाया था, आई वर्सेस वी बनाया था. ठीक, आगे तो अभी यहां से एक्सप्रेशन से देख सकते रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करेगा. लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. किसी कंडक्टर का एरिया अगर ज्यादा कर दो तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया से. तो उसको शॉर्ट में मैं ऐसा लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये. तीसरा पॉइंट ये जो टी होता है, टाउ जो होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. तो टेम्परेचर,
टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर साथ चेंज होगा, बढ़ेगा नॉर्मली। फोर्थ पॉइंट भाई, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें जो एन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम टाउ, ये सब मटेरियल की भी प्रॉपर्टी है, तो ये मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस आ सकता है, अगर उसकी लेंथ एरिया बाकी सब चीजें सेम रखे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की ब्रॉडली इन सब चीजों पर डिपेंडेंसी होती है। ओके, अब रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन में जो 1/ρ आता है, 1/ρ, इसको हम रो को 1/σ, इसको कह देते हैं रो, 1/σ इसको कह देते हैं रो, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन देखे, ये दिख रहा है हमको m/ne²τ। तो ये प्योरली मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, मटेरियल एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल, रेजिस्टिविटी किसी भी चीज की जो होगी वो उसके मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी और टेम्परेचर के साथ बदल सकती है। एंड रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर सर? टेम्परेचर से वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी? नहीं बेटा, टेम्परेचर के इनवर्स नहीं, प्रोपोर्शनल जैसा कुछ होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस टाउ इंक्रीजेस, सो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, बिल्कुल सही। टाउ डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। चलो, ये सब चीजें क्लियर है आपको। अच्छा, यूनिट्स की बात नहीं करी अभी तक, अभी तक हमने यूनिट्स की बात कर लिया। रेजिस्टेंस, ये रेशो था वी और आई का, ये रेशो था वी और आई का, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज 1 V/A, वोल्ट पर एम्पियर, तो हम ओम्स के ऑनर में ओम बोल देते हैं, 1 ओम, ठीक है, 1 ओम। फिर मिली ओम, माइक्रो ओम, ये सभी रेजिस्टेंस, मिली ओम, माइक्रो ओम, मेगा ओम, ये सभी रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा, तो ठीक है। रेजिस्टिविटी की बात कर, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होना चाहिए? तो देखो, रेजिस्टिविटी थी रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ, रेजिस्टेंस इंटू एरिया बाय लेंथ, तो रेजिस्टेंस इंटू m² / m, मतलब ओम मीटर बचेगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी वो आ जाएगी ओम मीटर, ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी हमने डिफाइन कर दी 1/कंडक्टिविटी, तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी वो होना चाहिए 1/ohm meter, ठीक है। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज, ये 1/ohm को अपन लिखते हैं मोहो, मोहो पर मीटर, 1/ohm को लिखते हैं अपन मोहो, मोहो पर मीटर, ठीक है। इसका एक यूनिट साइमन भी होता है, साइमन पर मीटर, 1/ohm, 1/ohm को अपन साइमन भी कहते हैं। वन अपॉन ओम इज ऑल्सो रिटन एज मोह, तो मोहो पर मीटर, ठीक है। तो के में वैल्यू क्यों होती है, लाइक 1K, 1000K? हाँ बेटा, अगर रेजिस्टेंस बड़ा हो तो भाई किलो ओम्स में, मेगा ओम्स में लिखेंगे अपन। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो उसे किलो ओम, मेगा ओम में बताएंगे अपन, ठीक है। हमने रेजिस्टिविटी की यूनिट देखी, कंडक्टिविटी की यूनिट देखी, रेजिस्टेंस की यूनिट देखी। रेजिस्टेंस का उल्टा, उसको भी कुछ डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस के इनवर्स उसको भी हम डिफाइन करते हैं, उसको बोलते थे हम कंडक्टेंस। इसको जी से कुछ किताबों में लिखा रहता है 1/R, यूनिट उसकी हो जाएगी मोहो या सैमी। चलो, इज इट क्लियर? यहाँ पे एम मास ऑफ चार्ज कैरियर है, यस बिल्कुल सही, एम मास ऑफ चार्ज कैरियर है, वाह चलो ठीक है। तो ये अपन ने काफी सारी सबकी यूनिट्स वगैरह सब देख ली, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज डिफाइन करी, व्हाट इज कंडक्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस पे होगी, है ना, ऑल दिस क्लियर? सब रटने वाली चीजें है, याद करना है आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके।
अब अपन इन पे बेस्ड कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन देख सकते हैं। हमने अभी पढ़ लिया है कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस के इजी इजी क्वेश्चन देख सकते हैं अपन। जैसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज 10 to the power minus 8 मोहो पर मीटर, सॉरी ओम मीटर। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज 10 to the power minus 8 ohm meter. If a cube of material is formed, if a cube of material is formed of side length 1, if cube of material is formed of side length 1 meter, of side length 1 meter, what will be resistance of this cube, what will be resistance of this cube across its parallel faces? What will be resistance of this cube across its parallel faces? क्यूब का रेजिस्टेंस क्या होगा उसके पैरेलल फेसेस के अक्रॉस? ये हटा रहा हूं तब मैं यहां पे जो भी डेरिवेशन वगैरह करा हुआ था हमने। ओके, तो आंसर आ गया बच्चों का मेरे पास, बहुत बढ़िया। अंश का, सर्वेश का, दोनों का सही आंसर आ रहा है। बुराउद्दीन का भी आ गया, भोपाल का भी आ रहा है। आंसर से कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन आपको दिया था मैंने कि क्यूब है जिसकी साइड लेंथ 1 meter, क्यूब है जिसकी साइड लेंथ 1 meter, ठीक है, और इस क्यूब के फेसेस के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टिविटी आपको गिवन है। तो अगर मान लीजिए करंट इस एरिया से बाहर जा रहा है और इधर वाले एरिया से अंदर आ रहा था, है ना, हमें हमेशा जब रेजिस्टेंस पूछा जाएगा किसी भी कंडक्टर में तो हमें करंट की डायरेक्शन पता होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर रेजिस्टिविटी दी हुई हो तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला रो इक्वल टू एल बाय, सॉरी आर इक्वल टू रो एल बाय। तो इसमें जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो होती है जो कंडक्टर की करंट की डायरेक्शन में लेंथ है, कंडक्टर की करंट की डायरेक्शन में जो लेंथ है, यहां इस क्वेश्चन में वो 1 meter होगी। तो रो इंटू 1 meter डिवाइड बाय करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उसे हम एरिया क्रॉस सेक्शन लेते हैं। तो यहाँ एरिया करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाला होता है, ये 1 meter square लेना चाहिए हमको। और ये दोनों ही देखो 1 ही है तो इनका रेशियो भी 1 ही आएगा, यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी बनाएगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू न्यूमेरिकली रेजिस्टिविटी की वैल्यू के बराबर आएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू न्यूमेरिकली रेजिस्टिविटी की वैल्यू के बराबर आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ रहा था 10 to the power minus 8 ohm। अब चाहे रेजिस्टिविटी की वैल्यू कुछ भी हो हमेशा ये सिचुएशन होगी, इसलिए रेजिस्टिविटी की एक डेफिनेशन ये भी होती है, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी is resistance of unit cube of material between its parallel faces। मेरे पास यूनिट लेंथ का क्यूब बनाया हुआ है, उस क्यूब का जो पैरेलल फेसेस के बीच में रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के बराबर आया है। तो इसलिए रेजिस्टिविटी के कई बार हमें डेफिनेशन भी देते हैं। यस, बहुत बढ़िया, चलो नोट कर लीजिए अच्छे से ये। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लिखो। अ सिलेंड्रिकल वायर, सिलेंड्रिकल वायर has resistance I, resistance R,
A cylindrical wire has resistance R along its length. Has resistance R along its length. पहला पार्ट. If it is stretched to double its length, if it is stretched to double its length, what will be its new resistance? क्वेश्चन का पहला पार्ट. If it is stretched to double its length, what will be new resistance? अगर मैंने लेंथ को स्ट्रेच करके डबल कर दिया तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? चलो फिर से बच्चों के जवाब आ रहे हैं मेरे पास. रचित बिल्कुल सही, अंश गलत है, कुछ गलत है. कुछ बच्चों के सही जवाब है, कुछ के गलत है. यस सिद्धेश सही है आपका, यशवर्धन सही है, गुड. अथर्व का भी सही है, विघ्नेश का भी सही है, बहुत बढ़िया. देखो जब भी हमको इस तरह का सिचुएशन दिया जाए ना कि लेंथ बढ़ा दी है, तो आपको एरिया में भी चेंज क्या है ये सोचना पड़ेगा. आपने अगर वायर को खींच कर लेंथ बढ़ाई है तो उसका एरिया डेफिनेटली कम होगा. आपने इस वायर को खींचा तो डेफिनेटली इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा ना. अगर इसको खींचोगे, इसकी लेंथ को डबल करने से इसको एरिया भी तो कम करना पड़ेगा ताकि वॉल्यूम सेम रहे, है ना. अगर आपने यहाँ पर लेंथ को डबल कर दिया है तो ये एरिया हाफ हो जाएगा. न्यू एरिया विल बी ओल्ड हाफ, जैसे वॉल्यूम सेम रहे. ठीक है, तो इस सिचुएशन में अच्छा मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो होती है वो तो मटेरियल की प्योर प्रॉपर्टी है, उसके डायमेंशन पर डिपेंडेंट नहीं होती. तो यहाँ जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वही रेजिस्टिविटी यहाँ भी होगी. हेंस अब नया रेजिस्टेंस जो होगा वो जाएगा रेजिस्टिविटी नई वाली लेंथ और नया वाला एरिया. तो देखो फोर टाइम रो एल बाय ए आ रहा है और रो एल बाय ए को पुराना रेजिस्टेंस बोल सकते थे, तो आंसर इज 4 आ रहा. पुराने रेजिस्टेंस से 4 टाइम आगे आंसर. तो ये याद रखना अच्छे से, जब भी किसी वायर को खींचा जाए तो उसका एरिया भी कम होगा, तो वो भी आपको ध्यान देना होता है. चलो सेकंड पार्ट क्वेश्चन का. अभी मैंने इसको खींच के लेंथ बढ़ाई थी ना, चलो इसको मैं दबा दबा के इसका एरिया बढ़ा देता हूं. अगला पार्ट क्वेश्चन का. न्यू रेजिस्टेंस इफ एरिया इज डबल्ड By hitting या क्या बोले उसको, compressing the wire. Wire को हमने दबा के उसको प्रेस करके उसका एरिया को हमने डबल कर दिया. अब क्या होगा रेजिस्टेंस? चलो काफी सही जवाब आ रहा है सभी बच्चों का, बिल्कुल सही. अब नया रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए लेंथ आधी हो जाएगी और एरिया डबल हो गया. इट शुड बी 1/4 ऑफ पुराना रेजिस्टेंस. बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. चलो अगला क्वेश्चन. तो याद रखना इनके अंदर है ना कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा लेंथ चेंज करेंगे तो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. लेंथ ऑफ अ वायर, सिलेंड्रिकल वायर, लेंथ ऑफ अ सिलेंड्रिकल वायर इज इंक्रीज बाय 2%. लेंथ ऑफ अ सिलेंड्रिकल वायर is increased by 2%. What will be percentage change in its resistance? What will be percentage change in its resistance? Length of a cylindrical wire is increased by 2%. What will be percentage change in its resistance? What will be percentage change in its resistance? चलो अमय का सही जवाब, शांतनु का सही, कुछ का गलत है, कीर्ति गलत है, अथर्व सही है, ईशान बेटा गलत है, बुरहुद्दीन गलत है. अभी जो क्वेश्चन देखा अपन ने बिल्कुल वैसे ही आ रहे. तो लेंथ को मैंने डबल करा था तो उसका 4 टाइम हो गया था ना रेजिस्टेंस. एक्चुअली यहाँ पे हमें जो कोई रिलेशन, ये 4 का रिलेशन आ रहा है, हमें ना नया रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते, रो एल बाय ए, और एरिया को लिख सकते थे वॉल्यूम अपॉन लेंथ. तो ये जगह हमारे पास रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम. ठीक है, जब भी किसी वायर का जब तक वॉल्यूम बदलो नहीं
तो रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अगर किसी वायर को खींचते उसकी लेंथ बढ़ाई, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट ही है, तो रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। अब क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि लेंथ में अगर 2% चेंज है तो रेजिस्टेंस में 4% होगा। इफ डेल्टा एल बाय एल इज 2%, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा आर बाय आर शुड बी 4%। ये हम एरर एनालिसिस से आपने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस आर स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, तो डेल्टा आर बाय आर विल बी 2 टाइम डेल्टा एल बाय होना चाहिए, डेल्टा एल बाय होना चाहिए। आ रहा समझ में ये? यस, बहुत बढ़िया, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ वायर इज इंक्रीज बाय 50%, लेंथ ऑफ अ वायर इज इंक्रीज बाय 50%, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। Length of a wire is increased by 50%. What will be percentage change in its resistance? कुछ बेटा गलत है, नहीं सर्वेश का गलत है, कुछ सॉरी कुछ का गलत था, हाँ सॉरी सॉरी, और रचित का और शायद सही लग रहा है मुझे, सिद्धेश का भी सही लग रहा है, देखते सर्वेश का भी सही लग रहा है, ब्राउद्दीन देखते लग रहा है सही है आपका। परसेंटेज चेंज पूछा है निकुंज, परसेंटेज में जवाब दीजिए। अब देखो मैंने चेंज जो कराया ना वो छोटा नहीं है, ये जो लेंथ का चेंज है वो छोटा नहीं है 2% जैसा, तो मैं ये वाला एरर का रिलेशन नहीं लगा सकता, ये वाला एरर का रिलेशन नहीं लगा सकता, बिकॉज दिस चेंज इज चेंज इन लेंथ इज नॉट स्मॉल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लेंथ को 50% चेंज करा है, लेंथ चेंज बाय 50%, अगर ऐसा कहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब लेंथ जो नई हो गई है वो पुरानी लेंथ का 3/2 टाइम हो गई होगी। कैसे लिखा मैंने, तो पुरानी लेंथ में 50% इंक्रीज कर दिया, मतलब हाफ इंक्रीज कर दिया, तो नई लेंथ हो जाना चाहिए 3L/2। अब नई लेंथ को यहां रख दो, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ कैसे रिलेटेड है मुझे पता था, रो अपॉन वॉल्यूम लेंथ का स्क्वायर, तो नया रेजिस्टेंस के लिए नई लेंथ लिख देंगे यहां पे L डैश का स्क्वायर, L डैश की वैल्यू रख दो तो आ जाएगा 9/4 टाइम L स्क्वायर, तो 9/4 टाइम पुराना रेजिस्टेंस आ रहा है। तो अब आपसे परसेंटेज चेंज पूछा है, वो कैसे निकालेंगे, नया रेजिस्टेंस माइनस पुराना रेजिस्टेंस अपॉन पुराना रेजिस्टेंस इनटू 100, इस तरह से परसेंटेज चेंज निकालते, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, तो चेंज माइनस 1 करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा, 9/4 - 1, तो 5/4 कर देंगे, 5/4 जाएगा 125%, ठीक, ये सही आंसर। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटे चेंज और बड़े चेंज में डिफरेंस होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए बी सी वेर ए इज स्मॉलर देन बी विच इज स्मॉलर देन सी, वेर ए इज स्मॉलर देन बी विच इज स्मॉलर देन सी। आई हैव अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड लेंथ ए बी सी where A is smaller than B, which is smaller than C, like this. कुछ ऐसा क्यूबिकल ब्लॉक दिख रहा है हमको, ठीक है, वन ऑफ द साइड इज A, अनदर इज B, एंड अनदर इज C, और C सबसे बड़ी है जिसमें दिख रहा है, ठीक है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द ब्लॉक इज रो, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द ब्लॉक इज रो, फाइंड, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द ब्लॉक इज रो, फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फेसेस, फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम फेसेस। अच्छा मैंने क्यूबिकल बोल दिया क्या, आई एम सॉरी, क्यूबॉइड बोलना चाहिए मुझको, हाँ क्यूबॉइड लिखिए, क्यूबॉइडल ब्लॉक लिख लीजिए, है ना, मुझे क्यूबॉइडल लिखना चाहिए था, ठीक है। तो आई हैव अ क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ साइड लेंथ ए बी सी, उसकी रेजिस्टिविटी रो है,
यू नीड टू फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फेसेस, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फेसेस। इसके पैरेलल फेसेस के बीच में जो रेजिस्टेंस आएगा, तो जो मैक्सिमम आ सकता है, जो मिनिमम आ सकता है, उसका रेशियो। सिद्धेश का सही आ गया, वेरी गुड। तो रचित का भी सही है, काफी बच्चों का सही जवाब आ रहा है मेरे पास, ऑलमोस्ट सभी का सही आ रहा है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। चलो तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस निकालूं, देखो मुझे अगर मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस क्योंकि लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम लेने के लिए लेंथ मैक्सिमम वाले ऊपर लेंगे तो वो सी हो जाएगी, ये लेंथ लेंथ ले लेंगे अपन, और अगर ये लेंथ है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दिखेगा विच इज गोइंग टू ए बी। फिर मिनिमम रेजिस्टेंस की है, मिनिमम लेंथ लेंगे, मिनिमम लेंथ इज ए, तो करंट कुछ ऐसा जाना चाहिए ए के परपेंडिकुलर, करंट जब ऐसा जाएगा तो एरिया दिखेगा आपको ये बी सी, एरिया दिख जाएगा बी सी, तो ये जाना चाहिए रो ए बाई बी सी। आपसे क्वेश्चन में इनका रेशियो पूछा था आर मैक्स और आर मीन का, तो रो सी अपॉन ए बी डिवाइड बाय रो ए अपॉन बी सी, देखो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया, सिंपल। मैक्सिम बच्चों ने वैसे सही दे दिया था मुझे, ठीक है। चलो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ रहा है, सबको क्लियर। और एक और रेजिस्टेंस पॉसिबल है ना इसका, अब ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस किन फेसेस के बीच में आया है, मैं ब्लू कलर से शेड कर देता हूं, तो ये वाली फेस और इसके पैरेलल जो उधर फेस होगी, जब यहां से करंट एंटर करे और इधर वाली फेस से बाहर निकले, उसके लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा ना, करंट मैक्सिमम लेंथ के अलोंग फ्लो करे, सी के अलोंग ऐसा करंट फ्लो करे, तो इसके लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा। मिनिमम रेजिस्टेंस कब आएगा, जब सबसे बड़े एरिया से एंटर करे और दूसरे तरफ के एरिया से निकले, तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए था, इस क्यूब में करंट एंटर करना चाहिए सबसे आगे वाले फेस से, यहाँ वाले फेस से करंट एंटर करना चाहिए था और पीछे वाले फेस से करंट निकलना चाहिए था, तो करंट को सबसे कम लेंथ क्रॉस करना पड़ेगी और एरिया भी ज्यादा है ना। तो आपको यहां से समझ में आ रहा है कि एक ही कंडक्टर के मैं करंट अलग अलग तरह से फ्लो कराऊंगा तो मुझे रेजिस्टेंस अलग अलग मिल सकता है, सेम कंडक्टर में करंट अलग अलग तरह से फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस अलग अलग मिल सकता है, क्लियर हो रहा है ये। एक ही कंडक्टर में करंट अलग अलग तरह से फ्लो कराओ तो अलग अलग रेजिस्टेंस मिल सकता है। पूछ रहा है आई इक्वल टू बी का पॉसिबल है, बेटा क्या बोला है आपने, आई इक्वल टू बी, अंश ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है क्या बोलना चाह रहे हो। चलो तो आई होप कि ये चीज समझ में आ रही है कि मेरे पास एक सिंगल कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट तरह से करंट जा रहा है तो अलग अलग आ सकता है, तो ऐसे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो, रेजिस्टिविटी of a composite cylindrical wire, resistivity of a composite cylindrical wire is varying along its length. Resistivity of a composite cylindrical wire is varying along its length. Varying along its length. At one end it is rho 1. At one end it is rho 1. It is linearly increasing to rho 2 at the other end. At one end it is rho 1 and it is linearly increasing to rho 2 at the other end. So, इस वायर की रेजिस्टिविटी बढ़ते जा रही है, वायर को जब अपन चल रहे हैं वायर के अलॉन्ग, तो रेजिस्टिविटी बढ़ते जा रही है, रेजिस्टिविटी रो 1 से रो 2 तक बढ़ गई, मतलब कुछ वायर को अपन ने ऐसा बनाया है, अलग अलग मटेरियल को मिक्स करके बनाया है, कंपोजिट वायर बनाया है, इस पर रेजिस्टिविटी वेरिएबल हो गई, ठीक है। चलो फिर से लिख देता, फिर से बोल देता हूं मैं, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंपोजिट वायर ऑफ लेंथ एल इज वेरी एट वन एंड इट इज रो 1 एंड इट इज लीनियरली इंक्रीजिंग टू रो 2 एट द अदर एंड,
एक एंड पे रो वन है, इट इज लीनियरली इंक्रीजिंग टू रो टू एट द अदर एंड। क्लियर हुआ ये बात? चलो बहुत बढ़िया है ना। नाउ फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर व्हेन करंट इज फ्लोइंग अलोंग इट्स लेंथ। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर व्हेन करंट इज फ्लोइंग अलोंग लेंथ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे दिया है, इसका रेजिस्टेंस बताना है। चलिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर व्हेन एरिया करंट इज फ्लोइंग अलोंग द लेंथ। करिए क्वेश्चन सर। हाँ सर लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट है। सर अपन ने तो ये मतलब क्यूब के फेस ले लिए ना, अगर क्यूब के फेस की जगह अगर कोई दूसरी सरफेस लो, जैसे कि जो अपोजिट वर्टाइसेस है उनको ज्वाइन करके अगर एक सरफेस बनाए तो उसका एरिया तो ज्यादा होगा ना सर, अगर ऐसा कुछ करे। क्वेश्चन में लिखा था ना पैरेलल फेसेस बोला था ना क्वेश्चन में, मैक्सिमम मिनिमम रेजिस्टेंस पॉसिबल बिटवीन पैरेलल फेसेस लिखा था ना। बताते क्या? यस हाँ ठीक। तो अपन को वैसा कनेक्ट ही नहीं करना ना जैसा आप बोल रहे हो, ठीक है? यस सर। सिद्धेश का जवाब भी आ गया। सिद्धेश नहीं यार, अच्छे से करो, इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा आपको। आकाश का भी कुछ जवाब आ रहा है, चेक करते। वेरी गुड आकाश, ऐसे दिखता हूँ मैं सही की गलत है। सोहम का भी जवाब आया है, सबसे पहले तो रेजिस्टिविटी वेरी कर रही है तो हमको उसका एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा कि किस तरह से वेरी कर रही है। तो मैं एक कॉर्नर से किसी डिस्टेंस एक्स पे गया, यहाँ पर रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है मुझे वो चाहिए, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो हम ग्राफ से निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से निकाल सकते हैं। एम एक्स प्लस सी होना चाहिए, एम होना चाहिए यहाँ पर रो टू माइनस रो वन बाय एल, और सी इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस इज रो वन, तो वाई शुड बी एम into x plus intercept, straight line की equation लिख दिया मैंने, y equal to mx plus c से, ये समझ में आया? हमें जो intercept दिख रहा है y axis पे that is rho one, और यहाँ से l length में हमें change in y upon change in x करा, तो मुझे slope मिल गया, change in y upon change in x करा, तो मुझे slope मिल गया, ठीक है? चलो सबसे पहले तो मैंने rho as a function of x लिख दिया, इसके बाद अब यहाँ से x पे जाते हैं, dx की strip ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे dx की ऐसी स्ट्रिप ले ली, तो स्ट्रिप का छोटा सा रेजिस्टेंस लिख सकते हैं अपन, छोटा सा रेजिस्टेंस इन स्ट्रिप हो जाएगा वहां पे रो की वैल्यू इनटू छोटी सी लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये छोटा सा रेजिस्टेंस आ गया पूरा रेजिस्टेंस के लिए। अब ये सारी स्ट्रिप्स कैसे सीरीज में, तो थोड़ा सा टेंथ में अपन ने पढ़ा है कि भैया सीरीज में रेजिस्टेंस को डायरेक्टली जोड़ते हैं, आर डायरेक्टली एड हो जाता है, तो डी आर को सम करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और एक्स जीरो टू एल वेरी करेगा, तो बस एक एक्सप्रेशन रख दो यहाँ पे सारे, रो का एक्सप्रेशन था हमारे पास रो वन प्लस रो टू माइनस रो वन बाय एल इंटू एक्स इंटू डी एक्स, बस अब इसे इंटीग्रेट करने का काम बचा है, रो वन बाय ए इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, जीरो टू एल लिमिट भी लगानी थी, वन अपॉइंट ए रो वन इंटू एल प्लस दूसरा टर्म बच रहा है देखो रो टू माइनस रो वन अपॉन एल इंटू एल स्क्वायर बाय टू, अरेंज करो इसे, ये एल इधर मल्टीप्लाई हुआ तो एल स्क्वायर हो गया, ये एल कॉमन ही ले लो, एक काम करो यहाँ से एल कैंसिल करके एल कॉमन आ रहा है, तो एल बाय ए रो वन प्लस रो टू माइनस रो वन बाय एल टू गायब हो चुका है, यहाँ बचेगा एल बाय टू, एल कॉमन ले लिया तो बाय टू बचेगा, एलसीएम एलसीएम ले लो तो रेजिस्टेंस आ गया, देखो क्या आ गया एल बाय ए रो वन प्लस रो टू बाय टू, तो ऐसा लग रहा है जैसे एवरेज रेजिस्टिविटी आ गई है, पर ये इस क्वेश्चन में आया ऐसा हर में नहीं होगा है ना, इस क्वेश्चन में ऐसा है हर क्वेश्चन में ऐसा मत कर देना, यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टिविटी का वेरिएशन लीनियर था तो ऐसा हो गया, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। यस सिद्धेश, चलो काफी बच्चों का यही जवाब था, ठीक है, तो उन सभी बच्चों का सही है, मुझे लगा कि यार ये इतना आसान कैसे आ रहा है, अगर मैं रो को यहाँ किसी और तरह से वेरी कर देता तो ऑफकोर्स जवाब चेंज हो जाता, रो सपोज लेंथ के प्रोपोर्शनल होता, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता लेंथ के, तो फिर अलग चीज हो जाती है
है ना। चलिए अभी हमने रेजिस्टेंस निकाला है जिसमें रेजिस्टिविटी वेरी करी, भाई एरिया भी तो बदल सकता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एससीबी में भी ये क्वेश्चन है। एक फ्रस्टम जैसे शेप का मेरे पास कंडक्टर है, एक फ्रस्टम जैसे शेप का कंडक्टर है, इस फ्रस्टम के शेप में यहां से करंट एंटर करा रहे हैं और यहां से करंट बाहर जा रहा है। एक तरफ से करंट एंटर हो रहा है, एक तरफ से बाहर जा रहा है। ये ए रेडियस है, यहां बी रेडियस है और लेंथ एल है। ए रेडियस, बी रेडियस, लेंथ एल, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, तो बताइए इसका रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस ऑफ फ्रस्टम, फिर एक बार रेजिस्टेंस ऑफ दिस फ्रस्टम, वायर, मेरे पास आंसर भी आने लग गया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करके आए, मतलब ये हीट कंडक्शन में भी करा था। अच्छा ओके, बहुत बढ़िया। हाँ तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखना, आपको एंड में एक बिगिनर बॉक्स मिलेगा हीट कंडक्शन का, वो इसीलिए तो है क्योंकि यहाँ पर ऐसे सारे क्वेश्चन रिलेट होते हैं हीट कंडक्शन के क्वेश्चन से। आप देखना करंट इलेक्ट्रिसिटी के पैकेज में आखिरी में है। तो करते हम भी सॉल्व करते इसे। तो एक कोने से यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे चलते है, तो यहां रेडियस क्या होगी वो निकालेंगे सबसे पहले तो, और फिर यहां पर एक स्ट्रिप जैसा ले लो, एक डिस्क जैसा कटेगा यहां पे, छोटा सा अगर लेंथ में काटूंगा यहां पे एक डिस्क जैसा कटेगा। इस dx बिट की डिस्क में कितना रेजिस्टेंस है वो लिखेंगे, और ऐसी सारी डिस्क सीरीज में जुड़ी है तो सीरीज में इन सबका रेजिस्टेंस जोड़ देंगे अपन, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस लिखने के पहले आर निकालना पड़ेगा, आर वो अभी स्ट्रेट लाइन का जो रिलेशन पड़ा था उससे निकाल सकते हो अपन, तो वो आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स। अभी पढ़ा था a से b तक रेडियस चेंज हो रही है लीनियरली, तो ये रेडियस होना चाहिए। अब छोटा सा रेजिस्टेंस डिस्क का होगा हमारे पास रो लेंथ बाय एरिया, एरिया लिख देना पाई आर स्क्वायर। तो ये r समझ में आया, किसी को r में डाउट है क्या? नहीं बेटा, विभव मैं ऐसे नहीं करूंगा। वेवो बोल रहा है कि सीधा पाई एबी से रिप्लेस कर दे। नहीं बेटा, किसी भी क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे हम, भले ही आईआईटी में देखो क्या होता है कि क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, जिसमें अगर तुम याद करी हुई चीजें डायरेक्ट लगा दो ना तो हो सकता है गलत हो जाए, तो इसलिए हमेशा बेसिक से आपको हमेशा डिराइव करते आना चाहिए, ठीक है। तो इसको कभी भी ऐसा कभी भी ऐसे ट्रिक यूज नहीं करना चाहिए हमको, आईआईटी के लिए बेसिक से सीखना चाहिए सब कुछ। तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिखा अपन ने डिस्क का, नहीं बेटा देखो इंटीग्रेशन इज, हाँ इंटीग्रेशन से ही करना है, शॉर्ट ट्रिक अपन को कभी यूज नहीं करना चाहिए। मतलब मैं तो एक्चुअली याद भी नहीं रखता हूँ, तो मुझे याद भी नहीं रहती जब आप शॉर्ट ट्रिक बताते हो, ठीक है। चलो तो इस डिस्क का रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब इस रेजिस्टेंस में आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, तो आ जाएगा रो डी एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में इसका स्क्वायर करेंगे तो शुड बी ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करके टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, इसलिए dr का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, तो रो अपॉन पाई बाहर, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन में dx अपॉन a, सॉरी a प्लस b माइनस a बाय l इनटू x का होल स्क्वायर, वन अपॉन अ लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, तो x की पावर n जैसा मान सकते हो, इसे लीनियर एक्सप्रेशन को अपन x जैसा मान सकते हैं,
इसे एक जैसा मान लो तो एक्स की पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन करना है, हो जाएगा एक्स पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए यही माइनस वन अपॉन यही वाला एक्सप्रेशन ए प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एक्स, ये वाला एक्सप्रेशन, और फिर इंटू में जो एक्स के इंटू में था उसे डिवाइड करना पड़ता है, तो एल अपॉन बी माइनस ए यहाँ नीचे आ जाएगा और इस पूरे में हमको लिमिट डालना है जीरो टू एल, बस लिमिट डालने का काम बचा है, ये एल अपॉन बी माइनस ए बाहर ले लो, रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए अंदर लिमिट माइनस वन अपॉन पहले एल रखा तो ए प्लस बी माइनस ए बाय एल इंटू एल, जिससे माइनस लगाएंगे प्लस वन अपॉन ए प्लस बी माइनस एल इंटू एक्स को जीरो, सॉल्व कर लो, देखो एल से एल गया ऐसे गया वन माइनस वन बाय बी, ये वन बाय ए आ रहा है, तो रो एल अपॉन पाई बी माइनस ए दिस इज वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी, तो बी माइनस ए अपॉन ए बी, बी माइनस ए कैंसल, तो रो एल अपॉन पाई ए बी। चलो आप सबको आता था पर मेरे को करना चाहिए इसलिए मैंने पूरा आपको करके बता दिया, ठीक। किसी को कहीं कुछ भी अगर इसमें डाउट है तो पूछ सकता है, ये तो मेहनत यार इंटीग्रेशन करा है यहाँ तक, तो ये तो मैथ्स है, तो ये मैथ्स की आपको प्रैक्टिस स्ट्रांग होना चाहिए कि इंटीग्रेशन वगैरह सब आपके लिए आसान हो जाए, मेन फिजिक्स बस ये डी आर लिखना था उसका उसको इंटीग्रेट करके पूरा कर सकते थे। चलो पूरा अच्छे से क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं अपन, यहाँ मैम यहाँ पर हमने एरिया क्रॉस सेक्शन बदला था, तो एरिया क्रॉस सेक्शन अलग अलग तरह से बदल सकते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन अलग अलग तरह से बदल सकते हैं। जैसे एक अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं करूंगा नहीं अभी, आपको आइडिया दे रहा हूँ एक क्वेश्चन का, एक मटेरियल है जिसका क्रॉस सेक्शन बदल रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन बदल रहा है, द हाइट इज चेंजिंग, हाइट यहां ज्यादा थी और वहां कम हो गई, हाइट यहां ज्यादा थी और वहां कम हो गई, ठीक है, हाइट यहां पे थी जैसे मान लो ए, वहां जाके हो गई है वो बी, साइड लेंथ इज ऑल्सो चेंजिंग, साइड लेंथ यहां कम है वहां ज्यादा हो गई, तो यहां पर साइड लेंथ मान लीजिए आप एम थी वहां जाके एन हो गई, या कुछ और मान लो, चलो यहां मान लो कि बी थी और वहां जाके ए हो गई, ठीक है, तो इस तरफ देख रहे हैं तो वर्टिकल रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, उधर से देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो ऐसा क्रॉस सेक्शन बदल रहा है इसका, लेंथ इज एल, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज रो, यहां से करंट एंटर कर रहा है यहां से निकल रहा है, रेजिस्टेंस बताना है आपको, तो सिमिलर क्वेश्चन है, एरिया क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, बस एरिया क्रॉस सेक्शन का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सही सही एक्सप्रेशन लिखते आना चाहिए, बस सही से एक्सप्रेशन लिख दोगे तो काम हो जाएगा। आ रहा है समझ में क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, बोलो कर लोगे ये, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, कर लेंगे ये क्वेश्चन के डायग्राम में कोई दिक्कत, हाँ टेस्ट के बाद करना आपको तभी, नहीं क्वेश्चन का डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं पहले बताओ, ओके बहुत बढ़िया, तो ये होमवर्क के लिए लिख लीजिए आप, ठीक है। चलो अब अभी तक दो दो क्वेश्चन जो करे दोनों में रेजिस्टेंस से सीरीज में जुड़े थे, पैरेलल में नहीं जुड़े, अब अपन ऐसा क्वेश्चन भी देखते हैं जिसमें पैरेलल में जुड़ रहे हो रेजिस्टेंस, ठीक है, यस रचित बिल्कुल सही, अब करना आप इसको है ना, तो बेसिक से करके बताना भाई, मुझे शॉर्टकट में इंटरेस्ट नहीं है, तो जो भी आप बताओगे पूरा बेसिक से करना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़ रहे होंगे, यहां पर अभी सब क्वेश्चन में अपने रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़ रहे थे, सीरीज वाले और भी एग्जांपल होते हैं हमारे पास है ना, जैसे स्फीयर का एग्जांपल भी सीरीज का होता है, सिलेंडर का भी सीरीज का होता है, एक सिलेंडर है जिसके अंदर और बाहर दो सर्फेसेस, एक हॉलो सिलेंडर, तो इसमें ऐसा बोला जाता है कि ये सॉलिड है यहां पर है ना,
किसी ने क्या करा, अंदर और बाहर के बीच में बैटरी लगा दी, किसी ने अंदर वाले सिलेंडर और बाहर वाले सिलेंडर के बीच में एक बैटरी लगा दी लाइक दिस। तो अगर इसको ऊपर से क्रॉस सेक्शन से देखेंगे तो ऐसा कुछ है कि बाहर से अंदर की तरफ करंट कुछ जा रहा है, बैटरी लगा दी तो ऐसा रेडियल डायरेक्शन में करंट जा रहा है, रेडियल डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इस तरह से करंट जा रहा है। यहाँ पे सारी रेडियसेस वगैरह दे रही, इनर रेडियस सपोज आर वन है, आउटर रेडियस आर टू है, लेंथ एल है, अंदर के मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, तो ऐसा कुछ करंट फ्लो कर रहा है। अभी मैंने डायग्राम में ऐसा दिखाया कि आर हायर पोटेंशियल है तो बाहर से अंदर करंट जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर मैं बैटरी अंदर हायर पोटेंशियल दिखाता तो अंदर से बाहर करंट जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, करंट की डायरेक्शन चेंज करने से रेजिस्टेंस बदलेगा नहीं, हाँ ओरिएंटेशन करंट का चेंज करने से रेजिस्टेंस बदल सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है जैसे यहाँ करा था, यहाँ करा था, यहाँ भी वही करेंगे। यहाँ सिलेंड्रिकल शेल रहेगी और सारी शेल सीरीज में आएगी, तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसमें भी सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस जुड़ेंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है स्फीयर का, आपके बिगिनर बॉक्स में देखना है स्फीयर का। स्फीयर में इनर रेडियस आर वन है, आउटर रेडियस आर टू है, यहाँ मटेरियल की रेजिस्टिविटी आपको रो दे, और किसी ने एक बैटरी कनेक्ट कर दी अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे पूछा इस तरह से, तो अंदर से बाहर करंट फ्लो कर रहा है, आपको बताना कितना करंट फ्लो करेगा या रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस बताना। चलो तो ये सब की सब क्वेश्चन सीरीज रेजिस्टेंस वाले हैं, यहाँ पर भी सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ रहे थे, सिलेंडर में भी सीरीज में रेजिस्टेंस, स्फीयर में भी सीरीज में रेजिस्टेंस, इन सबको आपको करना है। तो इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर अपन ने डिस्क जैसा एलिमेंट लिया, सिलेंडर के अंदर अपन सिलेंड्रिकल शेल जैसा एलिमेंट लेंगे, स्फीयर में स्फेरिकल शेल एलिमेंट लेंगे, ठीक है, कर पाएंगे ये सब? आप होमवर्क में दे दो आप सबको। ओके बहुत बढ़िया है ना, तो ये आप सबको करना है, ठीक। चलो तो आप क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, काम करते हैं यहीं रुकते, पैरेलल वाला मेरे को क्लास में कराना था पर ठीक है आज नहीं, अपन उसको अब क्योंकि आपका टेस्ट है तो ज्यादा लोड नहीं देता हूं मैं, टेस्ट के बाद अपन आगे की चीज देखेंगे, ठीक है। और आपका नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स की भी आधी चीजें हो चुकी है, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन मुझे बताना बाकी है, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस बाकी है, वो बताना बाकी है, तो थोड़ी चीजें बची है नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स की। आज मैंने थोड़ा स्लो ही करा जानबूझ की चीजें, क्योंकि मैं ज्यादा चीजें करा देता फिर लोड आ जाता बिगिनर बॉक्स का, तो अगले लेक्चर जो होगा उसमें फिर ये सारी चीज कंप्लीट करके दो दो बिगिनर बॉक्स होमवर्क में मिलने वाले आपको, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। चलो ओके बच्चों, मिलते हैं सब अपन नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।